उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी और कहा कि विद्यार्थियों के पहले सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है। आपको बताते चलें, कोरोना वायरस के चलते सरकार ने फैसला लिया, अब उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। ऐसे में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए काम किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद विद्यार्थियों ने अपनी राय रखी और कहा कि सरकार का ये फैसला तो सही है, मगर आने वाले समय में हम विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कैसे एडमिशन लेंगे और हम कैसे पढ़ाई आगे करेंगे, जिसको लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। अंशिका, इस बार सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो है परीक्षाएं नहीं होंगी, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, परीक्षाएं नहीं होंगी, हम इस फैसले में सरकार के साथ हैं, लेकिन आगे हमारे भविष्य के लिए हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें इंटर की मार्कशीट्स लिए हैं और उसमें इंटर की मार्कशीट में प्रमोटेड लिखाएगा, तो अब हमारा एडमिशन किस बेस पे करेगी यूनिवर्सिटियाँ ये नहीं पता है अभी, तो इस बात को लेके हम अभी से चिंतित हैं कि आगे कैसे हमारा एडमिशन होगा, कौन से कॉलेज हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इस बात को लेकर थोड़ी सी अभी चिंता है। कोरोना के चलते तो सारे ऑफलाइन कोचिंग्स तो बंद थे, हम ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे थे, जितनी भी तैयारी थी हमारी ऑनलाइन क्लासेस से ही हुई हैं, तो तैयारी तो थी हमारी बट इतनी बेस्ट नहीं थी जो ऑफलाइन में होती। अब कुल मिला के आपके सामने क्या परेशान है? हाँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेके हम अभी से चिंतित हैं, क्योंकि अभी हमारे 12th के रिजल्ट में प्रमोटेड लिखाएगा, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? आकाश मिश्रा। आकाश, यूपी बोर्ड सरकार ने जो है परीक्षा कैंसिल कर दी, हाँ, क्या मानते हैं? सर, तैयारी तो हमने बहुत करी थी, अगली बार पूरे सही से अच्छी से तैयारी करी थी, अब जो जिस तरीके से कैंसिल हो गए बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम जो है जिस हिसाब से कोविड जो बढ़ रहा था, एग्ज़ाम होना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था, लेकिन हमने तैयारी बहुत करी थी। इसका इफेक्ट हमें जब हम आगे कॉलेज हायर स्टडीज़ में जाएंगे या अवार्ड जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल स्कूल्स में कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें इफेक्ट पड़ सकता है थोड़ा बहुत, ये भी है। और सर, और क्या मतलब मार्कशीट में जैसे प्रमोट लिख कर आएगा? हाँ सर। तो क्या मानते हैं, आपको क्या परेशानियाँ आएंगी सर? आगे तो बहुत परेशानियाँ आएंगी अगर देखा जाए जिस हिसाब से, लेकिन कोविड भी है सर, और क्या कर सकते थे। तो क्या मानते हैं सरकार को क्या करना चाहिए सर ऐसे टाइम पे? सर, अगर पहले तो सर रिज़ल्ट का वेट ही करेंगे हम, देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है, अगर सर रिज़ल्ट सही नहीं आता है तो या तो सरकार हमें एक एडवांटेज दें कि हम पेपर देके अपने रिजल्ट को सही कर सकें दोबारा से, और बस यही हो सकता है, और हो सकता है इस समय।